प्रधानमंत्री जी यहाँ आए उन्होंने दो चीज कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में दूसरी बार उन्होंने कहा कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकास हुआ है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकास हुआ है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपके पंचायतें चुनाव कर रहे उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो कैसी व्यवस्था कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन आपने पंचायत चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में है आपके पक्ष में उस समय आपकी इच्छा अनुसार नहीं है। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपकी हिंसा बना नहीं आपका प्रशासन आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है उन्हें नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं आप उसको उठाते जा रहे हैं नामांकन पत्र उठाए जा रहे हैं जो महिला उम्मीदवार है उनको मना खींचा जा रहा है उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों कि किसको वोट देना चाहिए कहीं पे बम फूट रहे हैं कहीं पे आप हिंसा कर रहे हैं गोली मरवा रहे हैं क्या हो रहा है इस तरह से और क्या आप सोचते हैं कि गंगा मन में उपज मन रहे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है इसीलिए कह रही है कि पूरी तरह से नाकाम है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम आप प्रमाण पत्र मिल रहे हैं अपनी नहीं कसम तो इस तरह से लोकतंत्र का जो बाल हो रहा है संविधान का सवाल हो रहा है ये आप सब जानते हो उत्तर प्रदेश में आप सब जानते की कोई नई बात नहीं है इनके राज्य पिछले कुछ सालों से चला रहा है लेकिन अब इस स्तर पर जीत गया है प्रशासन पुलिस हर चीज का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा बोलेंगे। I'm going to tell you, you know,